नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, कभी कभी अपने आसपास घटित होने वाली कुछ घटनाओं या कुछ कहानियों के माध्यम से भी हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। कुछ विद्वान या कुछ लोग इन कहानियों की रचना हमें जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा देने के रूप में करते हैं। ऐसी ही एक कहानी के माध्यम से आज हम भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बेहद प्रेरणादायी और रोचक कहानी है जो हमें कुछ जरूर सिखाएगी। हो सकता है आपने किसी और माध्यम से भी इसको पढ़ा या सुना हो, लेकिन हमें ये कहानी बहुत रिलेवेंट लगी, जिस वजह से हमने भी इसको आपको समझाने के लिए चुना। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अनाज से भरे हुए जार्ज के ऊपर एक चूहे को रखा गया। चूहा अपने आसपास इतना सारा खाना देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसा देखकर उसे लगा कि अब उसे भोजन की तलाश में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और वह खुशी से अपना जीवन बिता सकता है। जैसे ही उसने अनाज को खाकर उसका आनंद लेना शुरू किया, वह धीरे धीरे कुछ ही दिनों में जार के तल पर पहुंच गया। तल पर पहुंच कर वह देखता है कि वह फंस गया और अब इससे बाहर भी नहीं निकल सकता है। अब उसको जीवित रहने के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो उस जार में अनाज डालता रहे, और दूसरा, अब वह अपनी पसंद के अनुसार अनाज भी नहीं चुन सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें तीन सबक सीखने को मिलते हैं, जिनको हम बाजार से रिलेट करके समझेंगे। पहला सबक, अल्पकालीन सुख हमें दीर्घकालीन जाल में फंसा सकता है। इसको अगर हम मार्केट से कोरिलेट करें तो हम पाएंगे कि हमें शॉर्ट टर्म में ज्यादा या जल्दी से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है कि ये लालच हमसे हमारा सब कुछ छीन ले और हम मार्केट में दोबारा एंटर करने के लायक भी ना रहें। दूसरा सबक, अगर चीजें आसान हो रही है तो आप आरामदेह हो जाते हैं, जिसे आप सर्वाइवल मोड में फंस जाते हैं और मेहनत करने से बचने लगते हैं। दोस्तों, बाजार में भी ऐसा ही होता है कि आप अपनी मेहनत नहीं करना चाहते और पूरी तरह दूसरों की जानकारी पर ही निर्भर रहना चाहते हैं। जानकारी और सलाह लेना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ अपने स्किल को भी डेवलप करना चाहिए ताकि आप सर्वाइवल मोड में ना रहें। तीसरा सबक, आपको सही कार्य सही समय पर करना होगा, वरना आपके पास जो कुछ भी है आप उसे भी खो दोगे। अगर बाजार के कंटेक्स्ट में बात करें तो आपको सही समय पर पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और उचित स्टॉप लॉस का प्रयोग करना चाहिए, वरना आप बहुत कुछ गवा सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और आप इन बातों को जरूर अमल में लाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सीख के साथ। धन्यवाद।